योगी आदित्यनाथ की बायोपिक कही जा रही फिल्म जिला गोरखपुर अब नहीं बनेगी। फिल्म के डायरेक्टर विनोद तिवारी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। गौरतलब है कि शनिवार को जिला गोरखपुर का पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसके बाद इसको लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया आई थी। ये रिएक्शन इतना जोरदार था कि फिल्म के निर्माता निर्देशक विनोद तिवारी को फिल्म बंद करने की घोषणा करनी पड़ी। पोस्टर के रिलीज होते ही ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी कि जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बायोपिक है। इस फिल्म को नास्ट्रम एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया जा रहा था। पोस्टर में भगवा वस्त्र धारण किए शख्स को अपने पीछे रिवॉल्वर छिपाए दिखाया गया है। उस शख्स का हुलिया पूरी तरह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा ही दिख रहा है। पोस्टर में गाय के बछड़े की तस्वीर भी साफ दिख रही है। किसी किरदार को योगी जैसा लुक देने, उसे पिस्तौल पकड़ाने और साथ में गाय मंदिर दिखाने पर विवाद हो रहा था। इस पोस्टर से सीएम योगी के चाहने वाले लोग नाराज थे, साथ ही गोरखपुर के लोग भी खुश नहीं थे। फिल्म के निर्माता निर्देशक विनोद तिवारी ने अपने बयान में कहा कि समस्त देशवासियों को मैं ये सूचित करता हूँ कि मेरी फिल्म जिला गोरखपुर की घोषणा के बाद जनसाधारण की भावनाएं आहत हो रही हैं। मेरा उद्देश्य न तो किसी की भावनाओं को आहत करना है, न ही समाज में किसी प्रकार का विद्वेष फैलाना है। अतः देश तथा समाज के हित में इस प्रोजेक्ट को मैं बंद करने जा रहा हूँ।